बिल्कुल, पंडित जी ने आपको कथा बता दी, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा रही है, क्यों मनाया जाता है भैयादूज, ये पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। पंडित जी, अब हम जान लेते हैं कि भैयादूज के दिन क्या क्या करना चाहिए, बहनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो भैयादूज मना रही हैं, भाई का तिलक कर रही हैं, टीका कर रही हैं तो। जी जी, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, पहला चीज है क्या करें क्या ना करें। पहली चीज मैं बताना चाहूँगा कि भैयादूज के दिन भाई अपने घर में बहनों को आमंत्रित ना करें, आप स्वयं बहन के घर जाएं, वहाँ भोजन करें। यदि बहनें आपके घर में आती हैं तो याद रखिएगा, बहनों को उस दिन आपको गिफ्ट ज़रूर देना है, याद रखिएगा। उस दिन बहनों से अपने घर में भोजन नहीं बनवाना है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा रखिएगा। और अगर बहनों के घर में पहुंचना संभव नहीं है, बहनों से संपर्क होना, या बहन विदेश में है, दूर रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय के समीप बैठकर भी भोजन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए, भैया दूज के दिन जब भाई अपनी बहन के घर जाए तो वहाँ बनाए गए भोजन का निरादर ना करें, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्ची ज़्यादा है, ये नहीं करें। इससे क्या होगा, जीवन में परेशानियाँ बढ़ सकती है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, भैया दूज के दिन बहन को भी अपने भाई का निरादर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप छोटे हैं, आपने क्या दाढ़ी, आपने क्या फैशन कर लिया, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज़ आपको क्या करना है, भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन से कदापि झूठ नहीं बोले, याद रखिएगा, प्रेम का त्यौहार है और इसमें बिल्कुल भी भाई बहन एक दूसरे से झूठ ना बोलें। ऐसा करने से यमराज का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, कोई कष्ट आपके ऊपर आ सकता है। साथ ही साथ भैया दूज के दिन नॉन वेज का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शराब, सट्टा, जुआ इत्यादि का ऐसे कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे यम दूत का प्रकोप आपके ऊपर आपको झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ भैया दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि थोड़ा वेट करना चाहिए और उसके बाद जब कर ले, क्योंकि आप भैया दूज मना रहे हैं, उसके बाद ही बहनों को भोजन ग्रहण करना चाहिए और भाई का मनपसंद भोजन बनाना चाहिए, याद रखिएगा। और साथ ही साथ भैया दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उनको मीठा खिलाना चाहिए, और ऐसा करने से भाई बहनों में हमेशा प्रेम बढ़ जाता है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। तो मीठा जरूर खिलाएं।